शुरू करते हैं। वीडियो आई है न्यू प्रिया आंटी की तरफ से। एक्सक्यूज मी, ये बोहेमिया उस्ताद जी का ऑफिस है क्या? फैंस फैंस फैंस, दिल से सलाम नहीं है इन फैंसों को, क्योंकि आज ये हमारे हैं, कल किसी और के हैं। तभी तो मैं पहले वीक खुश हो या दूजे वीक पैगल आया, तीजे वीक फिर तेरी याद आ गई। सर वैसे मैं फैन के तौर पे नहीं आया, मैं आपके लिए काम लेकर आया हूँ। अच्छा, काम लाया है क्या? हाँ तो फिर बोलना। मैं अपना एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ सेलिब्रिटियों की जरूरत है, तो आप आ जाइए और कुछ हाई लेवल के सेलिब्रिटियों को ले आइए अपने साथ। ठीक है हो जाएगा तेरा काम, लेकिन हाई लेवल सेलिब्रिटी के लिए हाई लेवल पैसा लगता है। सर मैं हाई लेवल सेलिब्रिटी के लिए हाई लेवल पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने रैप छोड़कर ये सेलिब्रिटी अरेंज करने का काम कब से स्टार्ट किया? अरे गधे, तेरे से किसने बोला कि मैंने रैप छोड़ा? रैप नहीं छोड़ता मैं, रैप तो मेरे खून में। देख सुन, धीरे धीरे बदी तू मेरा साला, और पूरे इंडिया में बेटा फैला मेरा जाला, और फोटो पे चढ़ाऊ तेरी फूलों वाली माला, अभी खालो जितना खाना छिन्ने वाला है निवाला, क्योंकि अभी तक जो भी सुना तुमने वो फ्रॉड है। घर चलो बेटा, यहाँ मेरा नहीं तोड़ है, रैप तेरा इंडिया में भाई कर है निवाले भूमिया ये। और बात रही दूसरे वाले काम की, ये मैनेजमेंट मैंने कब से संभाला, तो भाई ये तो मेरा मैनेजमेंट बचपन का ही है, अब्बू के जमाने का। पैसा दोनों साइड से, बोल कैसी रही? चल तेरे लिए एक ऑफर भी निकाल देता हूँ, 3 बड़े सेलिब्रिटियों के साथ नेहा कक्कर फ्री, बोल कैसी रही? थैंक यू सर, कल सुबह को पॉडकास्ट है, आपको आना है, आपको स्पेशल 5,000 रुपए अलग से दूंगा। ठीक है डन, तेरा पॉडकास्ट यहाँ से यहाँ, तेरा लेवल भी यहाँ से यहाँ। थैंक यू सो मच सर। ओके डन। काम तो बहुत है इंडस्ट्री में, बस मेरे तक ही नहीं आता। अन्नी तो अपना लाइव कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है योयो हनी सिंह के साथ। आप आजी कितने हैं तुसी? मैं अपने लाइव कॉन्सेप्ट पे था। कैसा चल रहा है? अरे बहुत बढ़िया चल रहा है पाजी, पब्लिक रुके से नहीं रुक रही, नाची जा रही है नाची जा रही है। अरे काफी रश आ गया क्या? बहुत रश है पाजी। अरे सुनना मेरी, बोलो। मैं कह रहा हूँ कि यार एक पॉडकास्ट है, उसमें चलना है तेरे को। हाँ चलते हैं ना, लाइव कॉन्सेप्ट पूरा कर लेता हूँ पहले। अरे लाइव कॉन्सेप्ट की मांगी आंख, पहले पॉडकास्ट करना है, किधर है? जल्दी ऑफिस पे आ। ठीक है मैं आ गया। ओके लव यू फैंस, लव यू, मिलते हैं बाद में, जरा फिलहाल लाइव कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ मैं एक और। अरे हनी ये माइक तेरा है क्या? यस पाजी ये मेरा ही है, क्योंकि मेरा पता नहीं होता ना मैं अपना लाइव कॉन्सेप्ट कहाँ शुरू कर दूँ। अरे ये तो अच्छी बात है, अब ये माइक मेरा है, क्योंकि मैं भी लाइव कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। अच्छा मुझे एक बात बता, एक बच्चे ने मेरे से पॉडकास्ट की डिमांड की है, और वो कह रहा है कि बॉलीवुड का माई बाप चाहिए, तेरी नजर में माई बाप कौन हो सकता है? बॉलीवुड का माई बाप तो एक ही है अपना सलमान बॉय। अरे नहीं यार, उसको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि बिग बॉस आने वाला है दोबारा से, तो वो वहां बिजी रहेंगे, तो दूसरा कोई बता। एक काम कर लो, टाइगर श्रॉफ ले लो। अरे नहीं यार, टाइगर श्रॉफ तो उछल कुछ ज्यादा करता है, तो वो पॉडकास्ट कहाँ इंटरव्यू वगैरह दे पाएगा? तो अभिषेक बच्चन कर लेते हैं डन। अरे यार उसका करियर खराब है, वो हमारा भी डुबो देगा, एक तो हमारा वैसे कम चल रहा है, वो और डुबो देगा। हाँ अभिषेक बच्चन से एक चीज मेरे को याद आई, उसके अब्बू कैसे रहेंगे? अमिताभ बच्चन जी। परफेक्ट यार, ये रफ्तार अपनी संभाल, थोड़ा ज्यादा पानी डाल, एक कहो तो मैडम को लोग कर देगी यूं बड़ा बवाल। यह कहाँ मिलेगा वो? उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसके शोरूम पर चलते हैं। अच्छा शोरूम, माशाल्लाह शोरूम, चलना चलो। अरे दस के बारह केले हिम्मत होता मेरा मुंह में ले ले, केला फ्री में ले ले, 10 के 12 केले लूट गया ये है, लंबा मोटा केला, 10 के 12 केले मेरा मुंह में ले ले, केला फ्री में ले ले, 10 के 12 केले केले नहीं चाहिए पाजी, तू सी रख। अरे अमित जी मुझे तो लगा था तुमने बहुत तगड़ा शोरूम खोला है, लेकिन ये तो तुम्हारा केले का ठेला है। अरे यार औलाद नकारा निकली, इस पापी पेट के लिए छोटा सा बिजनेस किया है पाजी। औलाद औलाद पाजी, बाप का दिल फाड़ देती है। अमित जी आपकी बात सुन के भी ना मेरी आंख भर आई है, दिल घबराया है, इश्क दीवानों को किस मोड़ पे लाए। आप आए क्यों है यहाँ पर? आए देखिए अमित जी, हमारा ना लाइव पॉडकास्ट होने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी को लेके साथ जाया जाए, तो इसलिए हम आपको अपॉइंटमेंट देने आए हैं। चलोगे हमारे साथ? उससे क्या है, पॉडकास्ट से आपका लेवल भी ऊंचा होगा, आप जिस स्थिति में थे आप वापस उसी स्थिति में आ जाओगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेवल की बात है तो लेवल उसका निकलेगा।